सदन के अंदर आके मणिपुर की जो जातिगत दंगा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसके चर्चा आप लोग देखे हैं, तो आज मणिपुर की जो मसला वो सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं रही, सारे दुनिया के हर कोने में मणिपुर की जातिगत दंगा को लेकर चर्चा हो रहे हैं। तो इससे बड़ा जो मसला है जिसका गंभीरता को सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी के चलते हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को और हिंदुस्तान की आज की सत्तारूढ़ पार्टी को ये सरकार से ये गुजारिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद सदन के अंदर आए और मणिपुर के बारे में बयान दे और साथ साथ मणिपुर की मसला को, मणिपुर की जलन समस्या, इसको चर्चा शुरू हो जाए। एक मिनट, खत्म कर दी। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि जब सदन शुरुआत हो चुके हैं, सदन की कामकाज शुरू हो चुके हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को यह लगा कि सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर बात करना मुनासिब होगी। मणिपुर की मसला तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सदन के बाहर परंपरा के हिसाब से, जिसको कहते हैं कि कन्वेंशन के मुताबिक जब सदन चलते हैं, चलमान है, उस समय मंत्रीगण बाहर जाके कोई बयान ना दे, यही हमारा पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी की परंपरा है। लेकिन वो परंपरा का तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी सदन की बाहर, जब सदन अंदर चल रहे हैं, सदन की बाहर आके उनको लगा, सदन शुरू होने के पहले ही उनको लगा कि आप मणिपुर की बारी आ गए। 84 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंभकर्ण की नींद टूटे और वो बाहर आके, वो भी सदन की बाहर आके बोलने लगे मणिपुर के मुद्दे पे। तो ये मणिपुर की जो घिनौना मुद्दे उन्होंने जिक्र किया, सारे देश इसमें अपना क्रोध आक्रोश जता रहे हैं, लेकिन ये सारे सदन के अंदर रखना चाहिए क्योंकि सदन अब चलमान है, सदन अब चल रहे हैं। सदन के अंदर आके सत्तारूढ़ पार्टी के मतलब सरकार के नुमाइंदों ने कहते कि हम चर्चा चाहते हैं, बिल्कुल ये कहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं सदन के अंदर हमारी ये बात बोलने का मौका नहीं दिया जाते हैं, इसलिए मजबूरन हमें बाहर आने पड़ा क्योंकि आप लोगों की जरिए हम अपना पार्टी की बात रखना चाहते हैं। सदन शुरू होने के बाद तुरंत बाद कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव पारित करके हमारी तरफ से ये चर्चा शुरू होने की हम मांग की थी, लेकिन इसका कोई मौका हमें नहीं दिया जाते हैं। सदन में सरकार पक्ष जरूर बोलेंगे, लेकिन विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है और विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन सदन के अंदर